Welcome on my YouTube channel. Here we have given one circuit diagram. We are two voltage source, 60 volt and 40 volt. Both are independent voltage source. But 10 IA, this is dependent voltage source. Means 10 IA क्या है? Dependent voltage source है. Okay? Dependent source का symbol क्या है? ये एक diamond shape का होता है. Okay? Here we have given one circuit diagram where find करें IA. केवी फंडा आपको पता है इक्वल आई आर. ओके, नाउ आई विल स्टार्ट. फर्स्ट वी विल गिव नेम ए बी सी डी ई एफ. देन अब क्या करना है आपको? अब आपके पास करंट की डायरेक्शन गिवन है. करंट डायरेक्शन गिवन है आई वन एंड आई टू. बोथ आर क्लॉक वाइज. बोथ आर क्लॉक वाइज. फर्स्ट आपके पास टू लूप है, फर्स्ट लूप एंड सेकेंड लूप. अब केवीएल, नाउ केवीएल एट लूप वन. मीन्स आपको केवीएल लूप वन में अप्लाई करेंगे. देन 60 वोल्ट मीन्स यह आपके पास टू वोल्टेज सोर्स है, वन इंडिपेंडेंट एंड सेकेंड डिपेंडेंट सोर्स. हियर आपको पता है जो वोल्टेज सोर्स होता है पोलरिटी सेम है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू नेगेटिव. देन माइनस साइन लेंगे. ओके, मीन्स 60 माइनस 10 IA. इफ पोलरिटी आर सेम, देन 60 माइनस 10 IA इक्वल 20 I1, मीन्स इक्वल 20 I1 प्लस प्लस 4 I1 एंड I2. मीन्स 4 में I1 करंट भी फ्लो होगा, I2 करंट भी फ्लो होगा, बट दोनों की डायरेक्शन सेम है. देन हम माइनस लेंगे, प्लस 4 I1 माइनस I2. मीन्स यदि करंट डायरेक्शन आपकी सेम है देन आप माइनस लेंगे, यदि डिफरेंट है देन आप प्लस लेंगे. ओके, एंड सॉल्व दिस इक्वेशन. 60 माइनस 10 IA इक्वल 20 I1 एंड 4 I1 24 I1 प्लस सॉरी माइनस 4 I2. ओके, देन 24 I1 माइनस 4 I2 प्लस 10 IA इक्वल 60. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. देन केवीएल एट लूप सेकेंड. अब केवीएल आप लूप सेकेंड में अप्लाई करेंगे. केवीएल एट लूप सेकेंड. हियर यू कैन सी वी हैव टू वोल्टेज सोर्स, फर्स्ट इंडिपेंडेंट एंड सेकेंड डिपेंडेंट सोर्स. ओके, करंट डायरेक्शन इज क्लॉक वाइज. देन यहाँ देखिए आपके पास पॉजिटिव पोलरिटी, मीन्स पोलरिटी सेम है पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड निगेटिव टू निगेटिव. देन माइनस साइन मीन्स 10 IA माइनस 40. 10 IA माइनस 40 इक्वल 4 I2 प्लस लूप कंप्लीट करेंगे प्लस 4 में I2 करेंगे फ्लो है, I1 भी फ्लो है, बट दोनों की डायरेक्शन सेम है. देन माइनस साइन लेंगे, प्लस 4 I2 माइनस I1. देन सॉल्व द इक्वेशन. 10 IA माइनस 40 इक्वल माइनस 10 IA 4 I2 एंड 4 I2 8 I2 प्लस 8 I2 माइनस 4 I1. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. हियर वी हैव टू इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन. देन हियर यू कैन सी IA एंड I2 मीन्स सेम. I4 में IA करंट भी फ्लो होगा एंड I2 करंट भी फ्लो होगा. इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? IA इक्वल I2. IA इक्वल I2 के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में आप IA की जगह क्या पुट कर सकते हैं? I2. देन 24 I1 माइनस 4 I2 प्लस 10 I2 इक्वल टू 60. आप इसे सॉल्व करेंगे आपको I1 मिलेगा. I1 इक्वल 60 माइनस 6 I2 अपॉन 24. दिस इज द इक्वेशन ऑफ I1. अब क्या करना है? अब सेकेंड इक्वेशन देखिए. फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से आप देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं. इसमें आप IA की जगह क्या पुट कर सकते हैं? IA की जगह I2 पुट कर सकते हैं. देन माइनस 40 इक्वल माइनस 10 I2 प्लस 8 I2 माइनस 4 I1. अब आप इसे सॉल्व कीजिए. देन 2 I2 प्लस 4 I1 इक्वल टू 40.
अब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, मींस अब आपके पास I1 की वैल्यू है, I1 की वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हैं, देन पुट I1 की वैल्यू आप सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, मींस इसमें आप पुट करेंगे, देन 2I2 प्लस 4 60 माइनस 6I2 अपॉन 24 इक्वल टू 40। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, देन आप इसे I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, मींस आपके पास अब सिर्फ I2 है, I2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन 2I2 माइनस I2 इक्वल टू 30, देन I2 इक्वल टू 30 एम्पियर, I2 इक्वल 30 एम्पियर। एंड यू कैन सी IA इक्वल I2, मीन्स आपको IA की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन IA इक्वल I2 के अकॉर्डिंग IA इक्वल 30 एम्पियर। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।